तिवारी करते हैं खबरों की शुरुआत। कोरोना और ओबीसी आरक्षण को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सीएम शिवराज ने ओबीसी आरक्षण को लेकर सीएम हाउस में बैठक की है। सीएम हाउस में बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है जिसमें मंत्री और विधायक शामिल हो रहे हैं और इस दौरान सीएम ने ओबीसी आरक्षण को लेकर चर्चा भी की। पहले से ही तय हो गई थी 2 दिन पहले तो विधायक दल की बैठक होना। अब मुद्दे तो अभी हम जा जाएंगे जब विचार होगा। जब नियुक्ति हुई है कुछ समर्थक जो कांग्रेस से बीजेपी नहीं वो तो करना ही थी। जब खाली पद पड़े उनको भरना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ बाकी भी जो बचे वो सब भर देना चाहिए। धन्यवाद। अचानक तो नहीं है माननीय मुख्यमंत्री जी का आगे जनसेवा में किस तरह से हम लोगों को कार्य करना है, सेवा देनी है। लगातार हर सत्र के समय बैठक बुलाते हैं। इस बार अभी प्रारंभ में नहीं हुई थी। प्रारंभ में 2 दिन पहले परिवार मिलन समारोह था तो बैठक तो ड्यू थी और एजेंडे नहीं है। तमाम अनेक तरह के मार्गदर्शन माननीय मुख्यमंत्री जी देते हैं कि जनसेवा में अंतिम छोर के व्यक्ति तक हम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश शासन की योजनाओं को किस तरह से क्रियान्वित करें और हम विधायक गणों का उसमें किस तरह की भूमिका हो। अगर हमसे कोई भूल और कमी होती है तो उसमें सुधार के लिए मार्गदर्शन मिलता है। विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित है। बैठक में चर्चा होने के बाद क्या आदेश संगठन देगा, मुख्यमंत्री जी की तरफ से क्या दिशा निर्देश होंगे, उस अनुसार आगे की प्लान किया है। सभी को बधाई, सभी को शुभकामनाएं। सब भारतीय जनता पार्टी के परिश्रमी कार्यकर्ता जिनके सहयोग से सरकार का निर्माण हुआ उन सबको अब सब मिलकर भाजपा है, इसलिए आगे चलकर मजबूत भाजपा बनाना है। 2023 में भी भाजपा को मध्य प्रदेश में राज कायम करना है और 2024 में नरेंद्र मोदी जी का भी राज के लिए संघर्ष करना है और उनका भी राज कायम करना है। हमारे मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं कि ओबीसी के आरक्षण के बिना चुनाव करना बेईमानी होगी, सामाजिक समरसता के विपरीत होगी। सब समाज को साथ लेकर सामान्य ओबीसी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, जनजाति सबका कल्याण हो, उस समग्र दृष्टिकोण से मुख्यमंत्री जी विधानसभा में जवाब दे चुके हैं। अगर चर्चा होगी तो बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी की अनेक जवाबदारियां हैं संगठनात्मक दृष्टिकोण से भी और जनप्रतिनिधि के दृष्टिकोण से भी। हम उन लोगों में से थोड़े ही कि सत्र आएगा तभी हम बात करेंगे। सत्र के बाद भी बात होती, सत्र के पहले भी बात होती। विषय एजेंडा विजय एजेंडा अंदर बताते हैं हमारे जो चीफ व्हिप है बताएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी बताएंगे। जानकारी आ रही है व्हाट्सएप वगैरह पे, ऑथेंटिक नहीं लेकिन जानकारी आ रही है। सीएम ने ट्वीट कर सभी को बधाई दी है सर। मेरी ओर से भी सबको बधाई, शुभकामनाएं। भारती देवी को सबको बधाई, जिनको दायित्व मिला सबको बधाई। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने वाराणसी दौरे के बाद अपने मंत्रियों के साथ बैठक की, साथ ही पीएम के दिशा निर्देशों को सीएम ने अपने मंत्रियों के साथ साझा भी किया और अधिकारियों के साथ चर्चा की।